मम्मी नीचे पहनते हैं, पता नहीं ताऊजी को, ताऊजी से नीचे पहनते हैं, आपको नहीं पता? अरे घरों से गले में पहनते हैं। नहीं पता ताऊजी को, नहीं पता। ठीक है बेटा मैं नीचे पहनाऊंगी, ठीक है, ऊपर गले में नहीं पहनते। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय बनाते बनाते मैं आपको एक गुड न्यूज दे देती हूँ कि मेरा गूगल एडसेंस पिन आ चुका है। और ये जो गूगल एडसेंस पिन है ना, ये एक्चुअली 2 वीक्स पहले आ चुका था, बट जो पोस्टमैन अंकल थे उनको ना नेम में कंफ्यूजन हो गई क्योंकि ना वहां पर दो नेम शिवानी शिवानी है, एक बेटी है एक बहू है, तो उनको कंफ्यूजन हो गई। उन्होंने एड्रेस नहीं नाम के हिसाब से दे दिया, तो वो उनके पास रहा। उन्होंने भी सोचा कि यार शिवानी नाम है तो ठीक है कोई नहीं। फिर उन्होंने जब ओपन किया हुआ तब उन्हें पता चला कि उनसे रिलेटेड नहीं है, तो उन्होंने हमें दे दिया। तो कोई बात नहीं, लेट हुआ बट हमारे पास आ गया, ये सबसे अच्छी बात है। तो इसी के साथ में मैं आपसे कुछ बातें करूंगी कुछ। तो जो गूगल एडसेंस का पिन है वो घर के एड्रेस पे आया है, तो मेरे पास उसका कुछ है नहीं अभी, तो मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगी, साइड में आपको मैं फोटोज दिखा दूंगी। मैं हैंड में नहीं दिखा सकती आपको क्योंकि मेरे पास नहीं है अभी वो। जब भी मेरा हल्द्वानी कभी जाना होगा तब मैं लेके आऊंगी, पर तब तक आप ये शेयर जो मैं कर रही हूँ फोटोज वो आप देख लीजिए, क्योंकि आपको ही पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। जो आप सपोर्ट कर रहे हैं उससे मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, उसमें मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जो गूगल एडसेंस पिन आया है ये मेरी जो जर्नी रही है, जो आप लोगों के साथ जर्नी रही है, जब मैंने इस चैनल स्टार्ट किया था मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं, सीरियसली बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था। मैंने सिर्फ स्टार्ट कर दिया, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या टैग्स होगा, क्या डिस्क्रिप्शन होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता। बस मुझे था कि मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है और मैं कुछ ABCD जाने हुए और इसमें कूद गई। पर सच्ची बताऊं आप लोगों ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हमेशा सपोर्ट किया है। मैंने कुछ गलत किया है वो भी आपने मुझे बताया, कुछ अच्छा लगा है वो भी आपने मुझे बताया, हर तरीके से। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो आपने वो भी मुझे सजेस्ट किया है, तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और दूसरी बात कि ना मैं उन यूट्यूबर्स में से नहीं हूँ जिनका ना वीडियो एकदम अचानक वायरल हो जाती है, उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। तो मेरी जो जर्नी है वो आप सबने देखी होगी, 0 से मैंने जब स्टार्ट किया और अभी जिस जहां पर मैं पहुंची हूँ इस टाइम पर, वो सब की सब आप लोगों ने हेल्प की है मुझे पहुंचाने में, अदरवाइज मैं कभी यहाँ नहीं पहुंचने वाली थी। तो आप सब लोग प्लीज मुझे ऐसे ही प्यार देते रहे, मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहे, मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आगे अभी बहुत जर्नी बाकी है, तो पूरा का पूरा मतलब जितना भी जर्नी होती है मतलब यूट्यूब में कहाँ तक आप जा सकते हैं वहां तक आप है, वहां तक आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और हमारे गबा को भी सपोर्ट कीजिए, है ना? तो कुछ सपोर्ट कर दो। नहीं गब लग जाएगी, ये क्या कर रहे हो? अपने भी लगा रखी, अपनी लिप्स दिखाओ, इधर आओ, घर भी ठीक है, ये देखो इस दिन क्या कर रखे। बस अब बस हो गया, गया लिपस्टिक खराब हुई मम्मा की। ये क्या बदतमीजी है, गर्वित अब मत करो, इधर देखो मम्मा को देखो, एक बार देखो, दो मम्मा को देखो, स्माइल कर दो एक बार। तो गर्वित के साथ मस्ती करने के बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में, और अपनी बालकनी में मैं देख रही हूँ अपने पॉट्स को। तो सोनू को नाश्ता दे दिया था मैंने, तो सोनू नाश्ता करके चला गया है और वो शायद अपने घर जा रहा है, तो वो अभी 2-3 दिन के लिए नहीं आएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और ये भी नहीं आ रहे हैं तो इनका भी 2 दिन का टूर था बट वो एक्सटेंड हो गया, तो वो 4 डेज का हो गया, और 4 दिन काटना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो गर्वित को नाश्ता कर दिया, मैंने भी नाश्ता कर लिया है, और अब मैं सीधा
बालकनी में पॉट्स का काम कर रही हूँ, तो मैंने भैया का काफ़ी वेट किया कि भैया आएंगे मेरे पॉट्स में प्लांट्स लगा के जाएंगे, बट भैया जब से मैं सो वेट कर रही हूँ तब से भैया आ ही नहीं रहे हैं। और ये जो मेरे कुछ प्लांट्स हैं वो ख़राब हो गए थे, तो इसीलिए उनकी जो मिट्टी है ना वो बिल्कुल सूख गई है। तो मैं सारी की सारी जो मिट्टी है वो एक तसला, लोहे का जो तसला होता है उसमें मैं डाल रही हूँ, और ये सब का सब मैं मिक्स कर दूँगी। और ये जो आप मेरे पॉट्स देख रहे हैं ना, आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे होंगे क्योंकि इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। तो ये जब मैं बुलंदशहर में रहती थी, 2020 की बात है, तो कोरोना के टाइम पे, तो आपने सुना होगा बुलंदशहर के पास में जब जस्ट खुर्जा है, 15-20 मिनट्स का रास्ता है, तो खुर्जा फेमस इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर सेरेमिक का बहुत सारा काम होता है, वहाँ हांडी बहुत फेमस है, सब चीज़ें खुर्जा फेमस ही सेरेमिक के लिए है। तो वहाँ से मैं ये लेके आई थी क्योंकि मेरा गाँव है वहाँ पर, मैं वहीं की रहने वाली हूँ, तो वहाँ पे मैं गई थी, मैंने वहाँ से लिया था और मुझे काफ़ी अच्छे रेट में ये मिल गया था। तो मैंने सेट लिया था, 3-3 का सेट लिया था, येलो वाले का भी 3-3 का सेट लिया था और ब्लू वाले का भी 3 का सेट लिया था। तो ये वहाँ से मुझे बहुत अच्छे रेट में मिल गया। और इन पॉट्स को ना पोर्सलिन पॉट्स भी कहते हैं या सेरेमिक पॉट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि और ये ना सीमेंट के बने हुए होते हैं। तो इनमें ना एक प्रॉब्लम ये है कि ये देखने में तो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, आप इन्हें जैसे शोपीस में रखते हैं ये उस टाइप के पॉट्स हैं, बट ये सीमेंट के बने हैं तो ये पानी इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अगर इसमें ज़्यादा पानी आ जाता है ना तो पेड़ का गलने का बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये देखिए मेरा स्नेक प्लांट है, बारिश हुई थी तो बारिश की वजह से पानी है ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ और इसकी वजह से ये गल गया और बड़ी दिक्कत आई मुझे। मैंने कहा यार इतना अच्छा प्लांट ग्रो कर रहा था और इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी थी, बट लास्ट में ये देख के मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, पर ठीक है कोई नहीं। और यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ सारी की सारी मिट्टी, और मैं ज़्यादा गीला नहीं कर रही हूँ मिट्टी को, थोड़ा बहुत ही मैं गीला करूँगी क्योंकि ये सीमेंट के पॉट्स ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। और ये जो सेरेमिक के पॉट्स होते हैं ना, इनमें होल होना ज़रूरी है, अगर इनमें होल नहीं होगा नीचे तो आपको ना एक एक्स्ट्रा छोटा सा पॉट ला के इसके अंदर रखना पड़ेगा जिसमें होल हो, अदरवाइज़ ये बहुत दिक्कत देते हैं। बट मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फाइनली आज इनका चांस आ गया है कि मैं इनकी मतलब सेवा का पानी करूँ। और ना मैं कुछ थोड़े से जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ना वो मैं ऊपर से कट करके लेके आई हूँ, जड़ से नहीं लेके आई हूँ, मैंने जिससे जॉइंट्स होते हैं ना वहाँ से मैंने इन्हें कट किया है, क्योंकि जॉइंट्स से अगर आप लगाते हैं तब भी इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, तो मैं जॉइंट से लेके आई हूँ। और मैं वहाँ से लेके आई, एक तो मोगरे का प्लांट लगा था ऊपर भाभी का, तो मैंने उसे भी कट करके लेके आई हूँ क्योंकि उसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली मैं पार्क में घूमने जाती हूँ ना, तो जब मोगरे के प्लांट के पास से पास होंगे ना आप, तो उतनी अच्छी खुशबू देता है बहुत अच्छी, तो इसलिए मैं मोगरे का लेके आ गई हूँ। और एक मैं एलोवेरा का बहुत छोटा था वो मैं रूट से लेके आई हूँ, एकदम जड़ से निकाल के ले आई हूँ, बहुत ही छोटा था वो। तो ये आपके आप मेरे हैंड में देख रहे हैं मोगरे का, तो मोगरे का मैं लगाने वाली हूँ इस वाले में। और इधर वो छोटा सा पॉट है, आप ये जो प्लांट देख रहे हैं ये है मेरा एलोवेरा का। और यहाँ आ गया है गर्वित, और गर्वित मुझे परेशान कर रहा है कि मम्मा मैं करूँगा मैं करूँगा। मैंने कहा नहीं गर्वित तुम नहीं करोगे, मैं करूँगा क्योंकि तुम सब बर्बाद कर दोगे। तो ये मान नहीं रहा है, ज़िद करके लगा हुआ, कहीं मेरी टी शर्ट खींच रहा है, कहीं मेरा लोअर खींच रहा है कि मुझे करना है, पर ठीक है वो बच्चा है उसको भी अच्छा लगता है। और ये देखिए इसकी जड़ निकल आई है, जो मैंने स्नेक प्लांट है मैंने इसे फिर से दबा दिया, क्या पता फिर से इसकी ग्रोथ हो जाए। तो ठीक है, और ये आ गया गर्वित, अब मेरा काम डबल हो जाएगा। और पता है जब मैंने ये हटाया ना, ये सारे पॉट्स हटाए थे मैंने, तो वहाँ पे ना एक छिपकली थी और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, तो वॉशरूम में भी अगर छिपकली होती तो मैं नहीं जाती जब तक उसे मैं भगाना दूँ, शिश ऐसे कर करके भगा देती हूँ। तो फाइनली सारा काम हो गया है, मैंने वहाँ साफ़ कर दिया है, झाड़ू पोछे सब कर दिया, और मैं अभी प्लांट से पानी दे रही थी तब तक गर्वित आ गया। ये देखो, और गर्वित ने ज़िद कर ली कि अम्मा मम्मा मैं करूँगा, अब सारे प्लांट्स वो पानी डालेगा और ज़ोर ज़ोर से पानी डालेगा कि सारे पानी फैला देगा। आराम से, हाँ उसमें डालो आगे और आगे डालो, रोज़ में डालो, रोज़ में। हाँ रोज़ ये है, और गबा पानी फैल गया पूरा। तो फाइनली सारे प्लांट्स में पानी दे दिया है, अब देखो क्या होता है इनका, क्योंकि लग तो रहा है कि हो जाएंगे बट लास्ट में होते नहीं है, तो हो जाए भगवान। जैसी मैं अभी उठी थी ना ऊपर को उठने लगी, तो ये वॉश बेसिन है ना इधर, मैं इससे यहाँ थी एकदम उठी, तो पूरा वॉश बेसिन ऊपर वाला जो पार्ट है ना ये पूरा ऊपर को उठ गया, मुझे लगा आज टूट जाएगा, मतलब हज़ारों का नुकसान हो जाएगा, प्लांट क्या लगेंगे हज़ारों चले जाएंगे। और ये गर्वित
ये देखो जब तक मैं आई तब तक देखो एक्सटेंशन बोर्ड है वो निकाल निकल के तो नहीं कहाँ कहाँ लगाया इस लड़के से नज़र नहीं बच सकती बिल्कुल भी बचते ही क्या कांड कर देता है। और मैं अभी आपको अंदर दिखाती हूँ अंदर देखा इसने क्या कर रखा होगा। तो ये देखो झाड़ू पोछे वाले घर की कंडीशन ये होती है यहाँ कोई नहीं कह सकता इसमें झाड़ू पोछा लगा था सारा सामान सेट किया गया था और ये मेरा ट्राईपॉड फिर तोड़ने में लगा हुआ है। अक्सर इतना सा काम करने में मुझे 12 बज गए हैं मतलब 12 से ज़्यादा ही बज गए होंगे तो ये इतना टाइम हो गया है। मैंने सिर्फ आज कुछ काम नहीं किया झाड़ू किया पोछा किया नाश्ता बनाया और ये किया बस इसके अलावा मैंने कोई भी काम नहीं हुआ। और ये सारे काम इसलिए नहीं होते क्योंकि गर्वित है मुझे बार बार ना इसकी तरफ एक आंख फेंकनी पड़ती है कि ये क्या कर रहा है अपनी शक्तियों का क्या इस्तेमाल कर रहा है तो ये शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर ले इसलिए मुझे बार बार इसे देखना पड़ता है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा शक्तियाँ रखी है। ये बैठता भी तो नहीं है 2 मिनट बैठता है यार पता नहीं क्या कार्टून चलाऊँ इसके लिए क्या चलाऊँ मैं फोन एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है मैं इसे फ़ोन नहीं देती हूँ इसीलिए मुझे लगता है कि ये ज़्यादा है पर मैं फ़ोन दे दूँगी तो फिर इसे आदत पड़ जाएगी तो मैं नहीं चाहती इसे आदत पड़े चाहे मैं कितनी परेशान हो जाऊँ मैं फ़ोन नहीं दे सकती उसे।